अस्सलामुअलैकुम, जय हिंद, जय मुंबई, जय महाराष्ट्र, जय भारत। मैं चाहती हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द कुछ मिनट के लिए मेरे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि अफसोस की बात है, जो चीज़ मुझे बुरी लग रही है, जो चीज़ मैं लोगों से सुन रही हूँ, जो चीज़ के बारे में लोग थू कर रहे हैं, आपको भी पता चले, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी एक औरत हूँ और मैं समझ सकती हूँ कि हमारे देश की, हिंदुस्तान की जितनी सुपर स्टार औरतें हैं उनके बारे में बहुत गंदी बातें पूरे वर्ल्ड में हो रही है। यहाँ पे मैं किसी का नाम ना लेते हुए मैं सीधे बॉलीवुड से मुखातिब होती हूँ और मैं आप लोगों से एक चीज़ चाहती हूँ। अगर आप लोग मुझे बहन कहते हैं तो याद रखें एक चीज़, गलती मैं करूं या आप करें या बॉलीवुड करे या हमारी देश की कोई बेटी करे या बेटा करे, नाम ख़राब होगा तो हमारे हिंदुस्तान का ख़राब होगा। इसमें ये नहीं कहा जाएगा कि ये मुस्लिम हिंदुस्तानी है और ये हिंदू हिंदुस्तानी है। नाम ख़राब होगा तो आज की प्रेजेंट सरकार का होगा, वो हिंदुस्तान की सरकार है। उसमें ये नहीं कहा जाएगा दुनिया में कि ये बीजेपी की सरकार है या ये वाली सरकार कांग्रेस की है। ये बात को हमें बहुत बहुत सीरियस तरीके से लेना चाहिए। और आप लोगों में अगर थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट है वुमेंस के लिए तो आवाज़ ज़रूर उठाए। ये फालतू के कमेंट्स, फालतू की बातों में जाने से अच्छा है आप लोग मेन टॉपिक पे बात करें। मैं सबसे पहले पूरी फिल्म इंडस्ट्री से पूछना चाहती हूँ, एक सवाल है मेरा। कंगना रनावत ने कहा है कि कंगना रनावत 2 मिनट के रोल के लिए वो सुपरस्टार हीरोज के साथ उसको सोना पड़ता है। मैं अगर उसने ये उंगली उठाई है फिल्म स्टार पे तो इसका मतलब है कि कंगना रनावत को जब 2 मिनट का रोल मिलता है तो वो किसी स्टार के साथ सोती है। तो कंगना रनावत से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, देश की बेटी होने के वास्ते, मैं देश की बेटी हूँ, हिंदुस्तान की बेटी हूँ, तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं हेमा मालिनी जी को बहुत पसंद करती हूँ, जया बच्चन जी को बहुत पसंद करती हूँ, मैं श्रीदेवी जी को बहुत पसंद करती हूँ, मैं हमारी माधुरी दीक्षित को पसंद करती हूँ, मैं उर्मिला माथोंडकर जी को पसंद करती हूँ, मैं काजोल जी को पसंद करती हूँ, काजोल जी की जो माता श्री हैं उनको पसंद करती हूँ, मैं बड़े बड़े स्टार्स शबाना आज़मी को पसंद करती हूँ, नूतन जी, तनुजा जी, मैं हर एक को जो सुपरस्टार रह चुके हैं, बहुत ही फेमस नेम एंड फेम में रह चुके हैं। अब ये बात सिर्फ कंगना रनावत तक नहीं है, मेरा एक सवाल है कंगना रनावत से। कंगना रनावत जी ने बहुत सारे पिक्चर्स बनाए हैं, बहुत सारी फिल्म, तो कंगना रनावत जी जब आप इतनी बोल्ड है, आप जो भी पोस्ट कर रही है, आपने उर्मिला मातुंडकर जी को कहा कि आप, यानी उर्मिला मातुंडकर सॉफ्ट पोर्न स्टार है, इसका मीनिंग जिसको नहीं आता है गूगल में सर्च कर ले। ये देश हमारा कहाँ जा रहा है कंगना रनावत, आप मुझे बताएं। आप उर्मिला माथोंडकर जी को इतनी गंदी बात बोल रही है जब संजय रावत जी ने अपनी मराठी भाषा में कहा कि कंगना रनावत ये औरत हरामखोर है, जिसका जेन्युइन मीनिंग था कि ये बेईमान औरत है, जेन्युइन मीनिंग महाराष्ट्र की लैंग्वेज में, मराठी लैंग्वेज में, जेन्युइन मीनिंग में बोल रही हूँ। मैं संजय रावत जी का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं जेन्युइन मीनिंग बोल रही हूँ। लेकिन आज तुम जैसी औरत कंगना रनावत उर्मिला मातोंडकर को बोलती है कि सॉफ्ट पोर्न स्टार है। मैं अब दूसरी बात पे आती हूँ, कंगना रनावत तुमको जब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दिखी थी, जब संजय रावत ने तुमको सिर्फ कहा था कि हरामखोर, उसका मतलब भी कोई गलत बात नहीं थी, उस वक्त तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ढूंढती हो और आज तुम ऐसे फ़ोटो उंगली दिखाती है, तुम्हारी फ़ोटो खुद वायरल हो रही है, तुमने आज हर एक उसको गाली देना शुरू की है, हर एक उसको रिप्लाई बदतमीज़ी से करना शुरू की है जो तुम्हारी बातों से सहमत नहीं है। जया बच्चन जी को मैं सलूट करती हूँ, जो एक एमपी है और जिन्होंने ये बात सांसद में उठाई है
कि बॉलीवुड को भी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए और ये हक बनता है। आज हिंदुस्तान अगर कहीं ना कहीं माना जाता है तो बॉलीवुड वर्ल्ड में, अगर हिंदुस्तान में है, मुंबई में है, तो हमारा हिंदुस्तान का नाम है। मैं इसके लिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं किसी फिल्म स्टार को लाइक करती हूँ या नहीं करती, जो सच बात है वो सच बात है। कंगना रनावत जी, मुझे एक बात बताएं कि आप अगर एक दो मिनट के रोल के लिए किसी हीरो के साथ सो जाती हैं, आपको उसका बिस्तर गर्म करना होता है, तो आप जब पूरी फिल्म करती हैं तो आपको कितनी बार सोना पड़ता है? ये मेरा सवाल है देश की बेटी का। मैं मानती हूँ कि मुझे हक नहीं है, लेकिन जिस तरीके से तुम्हें हक है सोशल मीडिया पे बॉलीवुड का नाम खराब करने के लिए, हिंदुस्तान की बेटियों का नाम खराब करने के लिए, क्या तुम एक अकेली औरत हो जो बॉलीवुड में हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इतनी सुपर स्टार औरतें होने के बाद आज तुम्हारी वजह से पूरा वर्ल्ड बॉलीवुड को थू थू कर रहा है, ये कह रहा है। इसका मतलब ये है कि जितनी भी इतनी हस्तियाँ हैं पहले दिन से, मधुबाला से लेके हर एक बड़ी सी बड़ी हस्ती औरतें, आज ये दूसरों के साथ सो सो कर इन्होंने फिल्में बनाई हैं। कंगना रनावत, आई स्लैप यू, अगर तू मेरे सामने आ जाए ना, मैं तुझे एक जोर से झापड़ मारूंगी, खुदा की कसम। अगर तू मेरे सामने आ गई ना, तू जिधर भी मुझे मिल गई, तू एयरपोर्ट पे भी किधर मिल गई ना, दुनिया के किसी एयरपोर्ट पे, मेरा ये वादा है, चैलेंज है, मैं तुझे सबसे पहले स्लैप दूंगी, एक झापड़ मारूंगी। तू औरत के नाम पे दब्बा है, तू कहती है तू ड्रग्स एडिक्ट है, मान लिया ये तेरी लाइफ है। तू कहती है तूने कितनों के साथ बिस्तर गर्म किए, मान लिया ये तेरी लाइफ है। तूने आज बॉलीवुड में बॉलीवुड का नाम खराब किया, बॉलीवुड माफिया कहा, तूने बॉलीवुड ड्रग्स कहा, तूने बॉलीवुड क्या नहीं कहा, मुझे उससे मतलब नहीं। तूने आज बड़ी बड़ी हस्ती, अमिताभ बच्चन जी की वाइफ एक औरत है, श्रीदेवी जया प्रदा, माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय, हाँ कंगना रनावत, शर्म आनी चाहिए। तो तेरी भाषा से लग रहा है कि तेरे हिसाब से सारी औरतें जितनी भी बॉलीवुड में हैं, जितनी भी है, किसी भी कास्ट की हो, किसी भी रिलीजन की हो, वो किसी ना किसी के पास सो सो के रोल लेती है, दो दो मिनट का। शेम ऑनी हो, आज भारत तुझ पे शर्म कर रहा है। और मैं बीजेपी वालों से आज के दिन मैं अपने प्राइम मिनिस्टर से कहना चाहती हूँ, हैप्पी बर्थडे टू यू सर, लेकिन आपके इस पे पोस्ट देखा मैंने कंगना रनावत का, आपके पेज पे मैंने पोस्ट देखा नरेंद्र मोदी जी, आपने बहुत गलत महिला को सपोर्ट किया है नरेंद्र मोदी जी, ये देश आपको माफ़ नहीं करेगा नरेंद्र मोदी जी, ये देश आपको माफ़ नहीं करेगा। यहाँ पे हर एक औरत की इज्जत और आबरू की बात है। कंगना रनावत उस वक्त क्यों नहीं बोलती जिस वक्त किसी का रेप होता है? कंगना रनावत उस वक्त क्यों नहीं बोलती जब किसी महिला के ऊपर एसिड फेंका जाता है? कंगना रनावत अपने आप को ही देख रही है, अपने आप को ही देख रही है, अपने आप को ही देख रही है। जया बच्चन ने कुछ गलत नहीं कहा, उन्होंने कहा बॉलीवुड वाले उनको टैक्स देते हैं हिंदुस्तान को, और ये एक बहुत बड़ा सच है, कड़वा सच है कि हिंदुस्तान को एक चौथाई टैक्स अगर आता होगा तो बॉलीवुड से आता होगा। सेलिब्रिटी हर किसी के साथ स्पीच और स्टेज शेयर करते हैं, हर किसी के लिए नेक काम में आते हैं, स्वच्छ भारत, ये भारत, वो भारत में ये लोग अपना योगदान देते हैं। और सलमान खान जी जैसे लोग ह्यूमन बीइंग के नाम से इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। आज मैं सारे हीरो से पूछना चाहती हूँ, सारे हीरो से, सलमान खान जी हो या कोई भी हो, मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, अमिताभ जी से भी पूछना चाहती हूँ, मैं काजल जी के जो शौहर हैं, हस्बैंड हैं, उनसे पूछना चाहती हूँ, मैं आज अक्षय कुमार जी से भी पूछना चाहती हूँ, क्योंकि ट्विंकल खन्ना आपकी वाइफ है, मैं आप सारे मर्दों से पूछना चाहती हूँ, अमिताभ जी आप भी मुझे जवाब दीजिए, क्या आपकी बीवी को एक रोल के लिए दो मिनट के रोल के लिए सोना पड़ता है किसी हीरो के साथ? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। बॉलीवुड वालों, अगर आप लोगों में थोड़ी सी भी शर्म है, इस बात को आप लोग हजम नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी माता बहनें, आप, मैं कपूर खानदान से भी पूछना चाहती हूँ, करिश्मा कपूर, यहाँ पे सैफ अली खान की बीवी है करीना कपूर, उनसे भी पूछना चाहती हूँ, इतनी बड़ी बड़ी महान आप लोगों की 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी हिंदुस्तान के लिए इन्होंने बॉलीवुड को रेडी किया, तैयार किया, यानी आपके घरों की भी बेटियाँ अगर किसी को दो मिनट का रोल होता है तो इनको आप लोग सुलाते हो किसी के साथ? मेरा सवाल जेन्युइन है, क्योंकि जो बात कंगना रनावत ने कही है ये बहुत गलत कही है। मैं कंगना रनावत से कहना चाहती हूँ, शेम ऑन यू,
मुझे शर्म आती है तुझे हिंदुस्तानी बेटी कहने में, मुझे शर्म आती है तुझे एक स्टार कहने में, मुझे शर्म आती है तुझे इंसान कहने में। मुझे तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से तूने उर्मिला मातुंडकर को कहा, तूने जो भी कहना था, लेकिन तू इतनी गंदी बात नहीं कह सकती थी। तू उर्मिला मातुंडकर तेरी बात से सहमत नहीं हुई तो तूने उसे उल्टा जवाब दिया। जया बच्चन जी तेरी बातों से सहमत नहीं हुई तो तूने उल्टा जवाब दिया। जो भी तेरी बात से सहमत होगा उसको तू अपना समझेगी और उसको रिस्पेक्ट देगी, और जो तेरी बातों से सहमत नहीं होगा उसको तू गाली देगी। वाह कंगना रनावत, वाह, शेम ऑन यू, शर्म आती है तू हिंदुस्तान की बेटी है ये कहते हुए, मुझे शर्म आती है तू हिंदुस्तान की बेटी है ये कहते हुए। और बॉलीवुड की सारी महिलाओं से कहती हूँ, अगर आप लोगों को थोड़ी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है एज अ वुमेन, प्लीज़ रिएक्ट। इसका एक्शन का जो इसने उठाया उसका रिएक्शन आपको बताना होगा। ये गलत बात है, ये गलत बात है। मेरा बॉलीवुड से कोई नाता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे भी कोई बॉलीवुड में होंगे, मुझे नहीं पता कौन, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम बेटियां भी बॉलीवुड में हैं। तो ये इतनी बड़ी बात हज़म करने वाली नहीं है दोस्तों, मेरे भाइयों। कहीं ना कहीं आपके ख़ानदान से बेटियां बॉलीवुड में काम करती है, इसका मतलब ये हो गया। आज दुनिया भर में ये बताया जा रहा है कि आज तक मधुबाला से लेके माधुरी दीक्षित से लेके जया बच्चन से लेके हेमा मालिनी जी से लेके ये सारी जितनी भी हीरोइन हैं, स्मृता ईरानी जी को भी मैं पूछूंगी, ज़रूर पूछूंगी। आप भी एक ज़माने की, आप भी फिल्म लाइन में थी, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी क्या ये बात सच है। आप सबको बताना पड़ेगा। दुनिया वाले हंस रहे हैं हम पे, हमें दुनिया वाले फॉरेन में हमें मैसेज करके पूछ रहे हैं, कंगना रनौत ने ये बात बोली है, शी तुम लोगों के यहाँ पे 2 मिनट के रोल के लिए औरतों को सोना पड़ता है हीरो के साथ, कितनी गजब की गंदी बात है। ये देश किस राह पे जा रहा है नहीं पता। और बीजेपी वाले, और मैं अमित शाह जी से कहना चाहती हूँ, भले हम में कितने भी इख्तलाफात हैं, भले हम बीजेपी अगेंस्ट है या बीजेपी के साथ है, लेकिन आप लोग ऐसी औरत को आप लोग सर पे बिठा रहे हैं। याद रखना, यही औरत कल आपके ही सर पे मसाला पीसेगी, आपको ही कहे उंगली उठाएगी। ये भी कह सकती है कि अमित शाह इसके साथ सोए, मोदी नरेंद्र मोदी इसके साथ सोए, ये भी कहेगी। ये कल मेरा वीडियो सेव करके रखना, ये भी बोलने के लिए पीछे नहीं हटेगी कि आपके बीजेपी वाले हर मेंबर इसको बीजेपी में लेने के लिए इसके साथ। आज सोए हैं, ये भी बोलने के लिए पीछे नहीं हटेगी। मैं आप लोगों से